जय श्री राम दोस्तों। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि सनातन धर्म एक वो धर्म है जिसको लेकर हर कोई वोट के चक्कर में या अपनी ज़बरदस्ती के वाहवाही के चक्कर में ख़त्म कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसे ऐसे वादे करते हैं। लेकिन सच्चाई क्या है ये मालूम चलती है कुछ समय के बाद। सच्चाई ये है कि जो वहाँ के नेता थे उदय निधि स्टालिन, वो लोग अभी जब बाढ़ आई वहाँ पर, तब भाई साहब ये वहाँ के लोगों को खाना तक नहीं दे पा रहे हैं। सनातन धर्म को ख़त्म करने की बात करते हैं। वहाँ के लोग को खाना तक नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन रामकृष्ण मंदिर मठ के द्वारा वहाँ पे खाने द्वारा भेंट दिया जा रहा है। सच्चाई यह है उदयनिधि स्टालिन जी, स्वीकार करो। और जो लोग भी ऐसी मानसिकता रखते हैं कि सनातन धर्म कभी एक दिन ख़त्म होगा, तो मिटा दो। जैसे कि हम सबको मालूम है कि एक कलयुग चल रहा है, और ग्रंथों के अनुसार ऐसा मालूम है, बताया भी गया है कि कल्कि जी जन्म लेंगे, जिसके बाद में छह जो चिरंजीवी हैं उनका सहयोग लेकर के इस कलयुग को, उस समय तो खैर घोर कलयुग होगा, तो वो सारे चिरंजीवी मिलके इस कलयुग को ख़त्म करेंगे ताकि दोबारा से त्रेता युग की शुरुआत हो। ऐसे कई लोग ऐसा कहते हैं कि हमारा तो जीसस ये हैं, और एक समय ऐसा आएगा कि सारे ही लोग उनके चरणों में जाएंगे, हमारे अल्लाह ये हैं, एक समय ऐसा आएगा कि सारे ही लोग वहाँ जाएंगे, सब लोग। हालांकि कॉपी पेस्ट वाली चीज़ें हैं, चलिए मैं उनके भावनाओं को ठेस नहीं पहुँचाना चाहूँगा, जो भी उनके मानसिकता, चलो सोच रहो, सोचते रहो, लेकिन सच्चाई यही है कि तुम्हारी हैसियत नहीं है वहाँ के लोग को पेट भरने तक की। अब मुंबई ले चलते हैं आपको। मुंबई से 50 किलोमीटर दूर भिंडवी के पास एक गांव है पदधा। 90% यहाँ इनकी आबादी हुई, नाम बदल दिया गांव का, अलश्याम अथवा ग्रेटर सीरिया कर दिया। वहाँ के लोग का ऐसा कहना है कि वहाँ पर जो लोग भी बसाए गए ना, बाहर से लोग को ज़बरदस्ती ला ला कर बसाया गया है। छापेमारी के दौरान NIA ने 8 लाख रुपए कैश, एक पिस्तौल, 2 एयरगन, 10 मैगजीन, 8 तलवारें, 2 लैपटॉप जब्त किए हैं। और इन सब का जो करता धरता था, जो मास्टरमाइंड साकिब नाचक, गिरफ्तार कर लिया इसको। तो भैया थोड़ा आप लोग भी ध्यान से रहो, देखते रहो कि कहाँ किसकी आबादी बढ़ रही है, थोड़ा सतर्क हो जाओ। एग्जाम्पल है आपके लिए। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि ईसाई मिशनरियों के द्वारा कई ऐसी चीज़ें करी जाती हैं जिससे कि ऐसा लगता है कि ऐसे टच करने से पता नहीं क्या करंट से आ जाता है, तो लोग को ऐसा लगता है कि मैजिक, वू ट्रेमेंडस, पता नहीं क्या क्या ऐसा कुछ करने लगते हैं जिससे कि मालूम चलता है कि भाई शक्ति सी आ गई। और ये चीज़ पंजाब में बहुत ज़्यादा हो रहा है। नाइजीरिया का एक प्रचारक है जिनका खुद ऑन कैमरा रिकॉर्ड है कि ये चीज़ें जो है ना, केवल हिंदुस्तान में नहीं, बाहर भी बहुत ज़्यादा चल रही है। और अगर आपको सुनना है, जानना है कि इसमें कितनी सच्चाई है, ये वीडियो है आपको टेलीग्राम में मेरे मिल जाएगा। ये है टेलीग्राम। इस चेहरे को कौन नहीं जानता है, अधिकतर लोग जानते हैं, शोएब जमी, जिसका वैसे मुझे ऐसा लगता है कि शायद कोई काम धंधा है नहीं, टीवी डिबेट में आता और कुछ नहीं, और भड़काऊ चीज़ें बोलना बस। लेकिन अब ऐसा लगता है कि इनके खिलाफ़ भी फतवा निकल चुका है। ये कैसे? इन्होंने लिखा है कि गुजरात में हमारे एक शुभ चिंतक ने तोहफे के साथ मनुस्मृति भेंट की और कहा कि शोएब जी इसको पढ़िए, ज़रूर मैं अपने मित्र को बताना चाहता हूँ कि हम इसे पढ़ेंगे, क्योंकि हमारे मज़हब किसी दूसरे धर्म के ग्रंथों के लिए कोई नफरत नहीं है, बल्कि हमारे कई मजहबी स्कॉलर और मौलाना हैं, चतुर्वेद के ज्ञान और संस्कृति के साथ साथ हिंदू धर्म के सभी ग्रंथों में महारत हासिल है। ये कैसे हो सकता है? इस हिसाब से तो फतवा निकल जाना चाहिए आपके खिलाफ। ऐसा तो नहीं होना चाहिए, भाई साहब ने टीका भी लगवा लिया कि सच में इनके खिलाफ फतवा निकलने वाला है। अंकुर आर्य जी का ट्वीट आता है, फतवा कमिंग सून। बात करते हैं ना लोग, दिल्ली मॉडल, दिल्ली मॉडल, पेरिस बना देंगे, ये बना देंगे, वो बना देंगे। सच्चाई क्या है ये देखिए। वहीं के लोग का कहना है, खासकर वीडियो के साथ ये चीज़ें बताई गई है, कि देश की राजधानी के अस्पताल में नागरिकों को कहीं बेड नहीं मिला तो कहीं पर्याप्त इलाज उपलब्ध नहीं हो पाता। कई बार इलाज के लिए महीनों आगे की तारीख मिलती है, चाहे तब तक मरीज की जान चली जाए। देखिए सफदरजंग अस्पताल में मरीज कैसे तड़प रहा है, ये सच्चाई है। यहाँ पर यह देखिए साफ तौर पर तड़पता हुआ दिखाया जा रहा है, सफदरजंग जैसे इतने बड़े अस्पताल में तड़पते हैं लोग, मर जाते हैं, इलाज सही से नहीं हो पाता है। दिल्ली मॉडल कहते हैं कि भाई ये इतना अच्छा कर दिया, उतना अच्छा कर दिया, बोलते हैं कि प्राइवेट से भी अच्छा कर दिया, लेकिन हालांकि वो अलग मैटर है, इनके सारे नेता और खुद भी अपोलो जैसे बड़े बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज कराते हैं। अगर भैया तुम्हारा प्राइवेट से अच्छा तो सरकारी में क्यों नहीं जाते हो, जाओगे लेकिन उसी अस्पताल में जहाँ पे 50-50 एक लाख रुपये एक दिन का जाता है, सरकारी में क्यों नहीं जाते हो, अच्छा कर रखा है तो। दिल्ली में जल भरा हुआ तो विज्ञापन भाग गए, पानी की किल्लत हुई तो गोवा भाग गए, कोरोना काल में जब जिम्मेदारी उठाने की बारी आई तो आइसोलेशन चले गए, दिल्ली में जब शिक्षक धरना दे रहे थे तब पंजाब भाग गए, अब ईडी के डर से फिर से विपचाना भाग रहे हैं। कितना भागोगे यार, भागना बंद करो, नहीं तो तुम्हारे कोई धै धै
धा। इसके बाद चलिए असम चलते हैं। हेमंत विश्व शर्मा जी, इनका भी एक बयान आया है कि 4 फरवरी से कोई भी व्यक्ति एक ही शादी करेगा, जो नहीं मानेगा उस पर कानूनी कार्रवाई होगी, और साथ ही साथ हाँ, मुस्लिम बहनों को स्वतंत्र का दुख सहना नहीं पड़ेगा। कितनी बड़ी बात बोली है कि मुस्लिम बहनों को अब स्वतंत्र का दुख सहना नहीं पड़ेगा। अब ये चीज़ सुनको तो दुख उनको ही होगा ना, कि जिनके पास नई नई लड़कियाँ या नई नई बीवी नहीं आती है। अब हिंदुस्तान को थोड़ा बाहर चलते हैं, एक वीडियो आई है निकल के सामने चर्च की, जहाँ पर चर्च में जो एक सुर वाला बदन कौन सा गाना आता, ऐसा करके कोई सा गाना होता है ना, वो गाना गाने के बजाय भगवान कृष्ण को याद किया जा रहा है। कॉपीराइट आ जाएगा यहाँ पे, इसलिए यहाँ दिखा नहीं सकता हूँ। या आपको टेलीग्राम में मिल जाएगी वीडियो, देख सकते हैं जाकर के। क्या बात है भाई, चर्च में पूरा वीडियो देख लीजिए, पूरा चर्च का ही वीडियो है ये। भगवान कृष्ण का गाना गा रहे हैं और सारे लोग हाथ जोड़ रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त है, सारे लोग आओगे धीरे धीरे करके। यूपी के सपा विधायक इरफान, बताया जा रहा है कि इसका जो पीए है शकील चिकन गिरफ्तार हो गया है। 22 के करीब आपराधिक मुकदमों में फरार था। क्या बात है, चलो गिरफ्तार तो है ना, बंद है जेल में अब। क्रेटली मीडिया ने जनता से डिमांड करी थी कि इस विकलांग महिला के लिए व्हीलचेयर के लिए सपोर्ट देने के लिए, तो उसके लिए जनता ने सपोर्ट भी दिया और आज ये व्हीलचेयर पे हैं। सभी सनातनियों का इस चीज़ के लिए मेरी तरफ से धन्यवाद, इसीलिए मैं क्रेटली मीडिया को थोड़ा ज़्यादा बढ़ावा देता हूँ, क्योंकि ये जो है खुल के थोड़ा लोगों के लिए सपोर्ट देते हैं। राहुल गांधी की एक किताब छपी है, आखिर इसमें ऐसा लिखा क्या होगा जो इनके नाम पे किताब छपी, और वो भी इतनी मोटी। दलित टाइम्स के द्वारा एक न्यूज़ पब्लिक करी जाती है, जिसमें ऐसा दिखाया जाता है कि उत्तर प्रदेश में उन्नाव में एफसी कार्यालय के सामने आत्मदाह करने वाले एक दलित युवा के इलाज के दौरान लखनऊ के केजीयू अस्पताल में मौत। इससे क्या मालूम चलता है कि वो जो दलित बंदा था वो बहुत ज़्यादा परेशान था, बहुत ज़्यादा लाचार था, जिसकी वजह से उन्होंने अपने आप को आत्मदाह कर लिया। देखिए ये चीज़ साफ तौर पर देखने से मालूम चलता है, जो दलित टाइम्स ने लिखा है। लेकिन अगर मैं आपको ये कहूँ कि ये जो बात लिखी गई है केवल अधूरी बात है, सच्चाई ये है कि दलित युवा जो ख़त्म हो चुका है, उसका नाम प्रेमचंद पासी है, उसको अनीस सकीब मुमताज सबीर मुनीर प्रताड़ित कर रहे थे, जमीन विवाद में दलित युवक को जमकर पीटा था, अपनी आप बीती पुलिस वालों को बताई जाकर तो और भी ज़्यादा प्रताड़ित किया, जिसके बाद उसने अपने आप को खुद आग लगा ली। मतलब पूरी बात यही है कि इसमें पुलिस की लापरवाही है, एक्शन समय पर नहीं लिया। दलित युवक मृतक को वहाँ के स्थानीय गुंडे परेशान कर रहे थे, दलित टाइम्स ने ये बात नहीं बताई, ना ही उन गुंडों का नाम बताया, ना ही ये बताया कि क्यों ख़त्म किया अपने आप को, और मृतक ने अपने आप को पुलिस के सामने ख़त्म किया, ये सारी जानकारी नहीं दी, क्योंकि आरोपियों का नाम छुपाना था, अपनी केवल एक हेडलाइन छाप देनी थी, केवल अपना पता नहीं क्या है, कितना इस्तेमाल करोगे दलित नाम तुम इस्तेमाल कर रहे हो, दलित भाइयों का ही पैसा खा रहे हो, और तुम लोग ऐसी ऐसी घटिया घटिया आधी आधी न्यूज़ दिखाते हो, कुछ तो शर्म करो यार। और ब्रेकिंग न्यूज़, स्टैचू ऑफ लिबर्टी का पूरा चेहरा सब कुछ बदल दिया गया है, असली स्टैचू ऑफ लिबर्टी ये बना दिया। तो जानकारी कैसी लगी आपको ज़रूर बताएं, बाकी और जो अपडेट आती रहेगी मैं आपको बताता रहूँगा। तब तक के लिए चैनल के साथ जुड़ कर ध्यान रखना है, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन अवश्य प्रेस करें, ताकि जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसके सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुँच सके। जय श्री राम।